So hello and good morning and welcome back to the channel. So it's right now 7:50 a.m. and we are heading to Big One, and I just returned from Loo, and we have done around 40 kilometers and we just took a small break. Now we are going in Big One for bird watching and eating fish, which is famous over there. And this is the best time to visit Big One. Like between December to Feb. And Ayush over here is gonna click some awesome photos with his DSLR. So let's see what he's got. And I'm traveling with Gopal, Ayush, and Ashish over here. Gopal is just coming from there. And till then, enjoy the time lapse. So just 75 kilometers done and we have stopped for breakfast. और होटल का नाम है आयुष। आयुष के संग आज नाश्ता 9 बज रहे और हम लोग इधर रुके नाश्ते के लिए। तो आज प्लान काफ़ी बढ़िया है बिग वन का, उधर बोट लेके जाने का प्लान है और फोटोग्राफी का प्लान है। तो अभी कुछ 30-40 किलोमीटर्स बचे हैं खाली, तो नाश्ता करके निकलेंगे और चलो नाश्ता करते हैं। अच्छा नहीं है फिर वो अच्छा है, देखो टेस्ट नहीं पता कोई का क्या होता है यार, मसाला बहुत ज़्यादा लग रहा है। आधे घंटे का रास्ता है, नाश्ता विश्ता एकदम जबरदस्त हो गया। आज भी गुगल कुठे गई घेऊन आली का चुकी। अरे बाप रे, नाइस डायरेक्ट टच। यहाँ पे पहुंच गए हम लोग, तो आज का पंडल लोग हमारे चार है। और आपको बोट का इधर बता दूँ तो इधर हर बोट का 800 रुपीज़ है, तो मैक्सिमम 7 to 8 पीपल ले सकते हो एक बोट में। और एक डेढ़ घंटे का राइड है, वो फ्लेमिंगो स्पेशलिटी है इधर, वो सर्बिया से आते हैं ना। क्या बोला है, इस साल बारिश बहुत हुई है, तो एक्चुअली पानी बहुत ज़्यादा है। पानी ये लोग बोल रहे थे कि पानी बहुत कम रहता है, आप थोड़े टाइम बाद आओगे तो पानी बहुत नीचे चले जाएगा और तब फ्लैमिंगोज मैक्सिमम दिखेंगे। सो वी काइंड ऑफ केम अर्ली, वो वी केम ऑन द राइट टाइम, बट इस साल बारिश ही नवंबर तक चली है, क्या कर सकते। ये पानी लेके आओ।
ज्वाइन हुए विपुल भाई और नील भाई, किस्मत में लिखा था ये दोनों हमारे साथ आएंगे तो चलो मजा आएगा। और ये हमारी बोट राइड स्टार्ट हो गई, बोट राइड हमारी स्टार्ट हो गई, हम निकले आसमानों की ऊंचाइयों पे समुद्र। तो यहाँ पे कुछ हमको डकलिंग्स दिख रहे हैं और हवा में अच्छे ब्यूटीफुल बर्ड्स दिख रहे हैं एंड वी आर राइट इन द मिडल ऑफ द लेक। और ये साल बारिश बहुत हुई तो पानी बहुत ज्यादा है। और आप देख सकते हो पानी का लेवल कितना बढ़ गया है, पूरा झाड़ डूब चुका है और झाड़ के ऊपर देख सकते हो आप बर्ड्स। तो अभी बज रहे एक और हम लोग निकल रहे घर की तरफ, हमारा बोट राइड हो गया है, एक डेढ़ घंटे का बोट राइड हम पूरा घूम के आए हैं और बहुत काफी बर्ड्स देखे, बहुत स्पीशीज देखे, सीगल्स देखा, ग्रे हॉर्न देखे और इंस्ट्रक्टर ने बहुत सारे नाम बताए, ये दो ही याद है हमको। और कैसा था एक्सपीरियंस गाइस? आशीष तू बोल। बहुत सही, अरे क्या बर्ड्स है, क्या रिव्यू है, बहुत सही रिव्यू। एक्चुअली मजा आया। बोट राइड में सबसे ज्यादा मजा आशीष को छोड़कर सबको आया क्योंकि उसको तैरने नहीं आता, प्रॉब्लम नहीं उसमें तो मजा है। और सीन ये हुआ कि हम चार ही है तो यहाँ पे जो कॉस्ट है उसका 800 रुपीज है पर बोट। तो लकी ये था कि दो और बंदे मिल गए थे तो उनके साथ हम शेयरिंग में चले गए तो हमारा कॉस्ट वैसे कम हो गया। तो मैक्सिमम 6 लोग जा सकते हैं एक बोट में, तो ऐसा कोई 7 लोग भी, 6 से 7 लोग भी गए हैं बट फिर वो बोट का लिमिटेशन ये होता है कि वो लो डेप्थ मतलब जहाँ पानी का डेप्थ कम है ना वहाँ नहीं लेकर जा सकते तो बर्ड्स को उनको बहुत दूर से देखना होता है। तो हमारा एडवांटेज था कि हम 6 लोग थे ना तो हमें वो ज्यादा बर्ड्स के नजदीक लेकर गया। एक थोड़ा सा ये है कि फ्लेमिंगोज नहीं दिखे क्योंकि आज संडे है और वो होने के वजह से भीड़ बहुत ज्यादा थी, रश ज्यादा था। तो मॉर्निंग में उन्होंने कहा कि फ्लेमिंगोज थे बट उन्होंने कहा कि अराउंड 30-40 बोट्स मॉर्निंग में आए थे। तो जो भी बर्ड्स है यहाँ, ऐसा नहीं सिर्फ फ्लेमिंगोज, जो बाकी के बर्ड्स भी है ना तो उन्हें थोड़ा डर लगता है ह्यूमन से कि आएंगे हंट करेंगे उन्हें तो वो उड़ जाते हैं वहां से। और मोस्ट सुटेबल टाइम होगा अर्ली मॉर्निंग 6 या 7 या इवनिंग 5 या 6 के आसपास क्योंकि वहाँ तब क्लाइमेट कूल होता है उनके लिए, अच्छा होता है फ्लेमिंगोज के लिए। वैसे बाकी बर्ड्स तो दिन भर होते हैं वहाँ पे तो वो देख सकते हैं एंड बर्ड्स काफी और बहुत विविड बर्ड्स हैं, अलग अलग यूनिक वैरायटीज के। अगर तुमको बर्ड वॉचिंग पसंद है ना तो ये जगह आना ही है तुमको, ठीक है। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज ग्रेट, वी एंजॉयड अ लॉट, अनफॉर्चूनेटली वी डिडंट फाइंड एनी फ्लेमिंगोज बट बाकी बहुत मजा आया, बहुत सारे बर्ड्स देखने मिले। अब जरूर आना, मजा आएगा यहाँ पे और यहाँ का डेलिकेसी ट्राई करना। उन्होंने कहा कि यहाँ की फिश थाली फेमस है तो देखते हैं, हम ट्राई करते हैं। अच्छा लगा। तो हम आ गए वापस, 5 बज गए, काफी मजा आया, मस्त दिन था, परफेक्ट संडे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर सब्सक्राइब इधर उधर।
उधर टैटू बना लो इसका लिंक का।